हेलो गाइस, तो हम नैनीताल से दिल्ली आ रहे थे हल्द्वानी होते हुए, तो रास्ते में हमको एक घाटी दिखी या फिर क्या लो पहाड़ों में थोड़ा सा रास्ता दिखा, तो हमने सोचा उसको एक्सप्लोर करते हैं क्या होता है। तो हम देखते आए और बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता हम क्रॉस करते हुए आए हैं। आपको अभी मैं वीडियो पर दिखा दूँ कौन सा रास्ता फॉलो हमने किया है, किस तरह का। मुझे लगता है कि यहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, या शायद पहुँचे तो ज़्यादा लोगों को केव के बारे में या फिर झरने के बारे में पता नहीं है। बहुत प्यारा झरना है, आप पानी देखिए, बहुत साफ पानी है, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे। अभी मैं आपको जूम करके दूसरे फ्रेम में दिखा दूंगा कि कितना साफ पानी है और बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादा यहाँ पे मेन अच्छी बात ये लगी मुझे कि यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है किसी भी तरह का, इवन ना कोई प्लास्टिक ना कोई कूड़ा करकट, मतलब अभी तक यहाँ कुछ पहुँच नहीं पाया क्योंकि शायद ज़्यादा लोग हैं जो अभी तक इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं या फिर पहुँच नहीं पाए हैं। पहुँच पाए तो उन्होंने ज़्यादा गंदगी नहीं करी, जो कि अच्छी बात है, हमें एनवायरनमेंट को बचा के रखना चाहिए। तो अभी मैं आपको बीचों में दिखा दूंगा कि किस तरह की केव है और किस तरह की ये क्या कहते हैं, पानी बहुत साफ है। इवन देखो क्या होता है, अगर केव से जो पानी निकलता है, फिर जो पहाड़ों से पानी निकलता है होता तो वो बिल्कुल शुद्ध फ्रेश है, साफ पानी होता है। हम आगे जाकर अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको पॉल्यूट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बट अब यहाँ पे हमको नेचर देखने को मिला है तो हम उसको देख के इन्जॉय करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। आप भी वीडियो में देखिए और बहुत इन्जॉय कीजिएगा कि कितना अच्छा व्यू है, ठीक है। बाकी फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत अच्छी जगह है, मैंने आपको लोकेशन बता दी है। आप जब नैनीताल से दिल्ली जाएंगे हल्द्वानी होते हुए तो बीच में एक हल्की सी घाटी दिखेगी, हो सका तो मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप उससे आगे यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा शुद्ध पानी और इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, बिल्कुल लेस पॉल्यूटेड, ठीक है। तो मैं आपको अब आप देखिएगा कि वीडियो में किस तरह का पानी और किस तरह का इन्वायरमेंट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना साफ वातावरण है, या फिर कहूँ कि साफ जगह है, बिल्कुल पानी भी बिल्कुल साफ। इस पानी को डायरेक्ट पिया जा सकता है, मीठा पानी था ये, मैंने पी के देखा था। जगह बहुत साफ़ है, बहुत कम ही लोगों ने एक्सप्लोर करी है शायद। शहर वाले लोग जब ऐसे वादियों में पहाड़ों में आते हैं तो उनके लिए साफ पानी देखना थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। इसलिए आप ये देख सकते हैं बहुत कम धार है पानी की, बट साल पानी बहुत साफ है। इसके नीचे मिट्टी थी थोड़ी बहुत, बट वो भी ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं किया है, फिर ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, पानी बहुत साफ़ था। इवन इसमें स्विमिंग भी की हमने, पानी पिया भी। तो अब मैं पीछे केव में जाऊँगा, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं केव में जाता हूँ और पीछे देख के आता हूँ कि कहाँ तक केव है, और थोड़ा पानी भी नहा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, और जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, मैं जब केव में गया जा रहा था, पानी बहुत ठंडा है, तो आपको सच बता दूं, ठीक है, बहुत ठंडा पानी है। अगर आप आएँ और कभी भी पहाड़ों के पानी में जाते हैं तो ठंडा तो होता ही है, आपने बहुत जगह एक्सप्लोर करा होगा, ठीक है। उसी हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, मेरे पैर थोड़े सुन्न हो गए हैं, तो मैं उनको थोड़ी देर धूप में बैठूँगा ताकि कपड़े सूख जाए मेरे और पैर थोड़े बॉडी को थोड़ी हीट मिले। बाकी मैं अगर आपको अंदर का एक्सपीरियंस बताऊँ, जाने टाइम का पानी बहुत ठंडा लगा, मैं बार बार इसलिए बोलूँ क्योंकि मेरे को अभी भी ठंड लग रही है। और आपने जैसे कि देखा, मैं पहले पत्थर पे जब मैंने पैर रखा तो मैं फिसल गया क्योंकि वहाँ पे काई थी,
गाई थी तो थोड़ा फिसला, मैंने आपको फिर भी मैनेज किया है बचा, फिर मैं दोबारा ट्राई करके एनी हाउ पहुँच गया। मतलब मज़ा आया मुझे सच कहूँ तो। अगर आप भी छोटे मोटे ऐसे रिश्तों के मज़े लेना चाहते हो तो आप लीजिए बिल्कुल, ठीक है। हाँ बहुत सही मौसम, मतलब थोड़ा सा ना लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जाके रहो या सन्यास के लोग पहाड़ में आ जाते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बेटा अबाउट इट, ओके यू नो व्हाई, कि थोड़ा शांति मिली मुझे जब मैं इस टूर पे आया हूँ, ठीक है। इवन हम केव गए तो एक अलग से ही, मतलब अलग सी फीलिंग थी बहुत, वो फीलिंग जो शायद छोटे बच्चों को झूला झूलने पे मिलती है, या फिर छोटे बच्चों को उसके मनपसंद खिलौना मिलने पे, मतलब किसी भी तरह की खुशी आप कह सकते हो। मैं उसको शब्दों में कैसे व्यक्त करूँ, क्योंकि हर खुशी को व्यक्त करने का अपना एक तरीका होता है, मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ उस तरीके से, बट आप यकीन मानिए अगर आप मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं तो, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। आप करते, आपने बहुत, आप में से बहुत लोगों ने किया होगा एक्सपीरियंस, आगे भी करते रहिएगा। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने अभी ट्रैवलिंग शुरू करी है, वो आप बिल्कुल ट्राई करिए। नॉट इवन पहाड़ों पे आना, इवन आप कहीं पे भी जाएं, ठीक है, आप कहीं भी जाएं, ज़िंदगी एक बार मिलती है, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, एक्सप्लोर करिए। ज़िंदगी सिर्फ पढ़ के एक 9 to 5 की जॉब करने के लिए नहीं है, सॉरी फॉर, मैं थोड़ा फिलोसफिकल हो रहा हूँ, बट एक सच है कि लोग क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, शादी करके फिर एक मतलब बुढ़ापे का इंतजार या फिर एक अच्छी लाइफ जीने का, बट वट अबाउट दिस लाइफ, हमको भी ये जीवन भी तो जीना है ना। पहाड़ है, इतनी सारी ओशन है, सीज है, बहुत ज़्यादा फिलोसफी हो गई। अब हम मुद्दे पे आते हैं गाइस, थोड़ा रास्ता ऐसा है, मतलब हम केव गार्डन में गए थे तो उससे तो थोड़ा सही है, आपको रास्ता दिख रहा होगा, आई होप कि कोई जंगली जानवर ना मिले मुझे, है ना। जंगली जानवर मिला, अगर जंगली जानवर मिला तो मैं हूँ इस टाइम अकेला, क्योंकि बाकी के मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो रह गए हैं पीछे, वो अपना नहा धो रहे हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, हमारे कुछ कपड़े लेने, ठीक है। बहुत ठंडा पानी था तो मैं तो धूप में आधे घंटे बैठा, मेरे कपड़े तो सूख गए, ठीक है, जूते गीले हुए थे मेरे, वो भी रखे हुए यहाँ पे अभी तक। आपको बैक व्यू दिखाऊं मैं, कुछ पूछा, देखिए ये बैक व्यू है यहाँ से, कितना सुनसान है आप देख सकते हो। तो अब हम चढ़ जाते हैं पहाड़ पे, ठीक है, हमें बिल्कुल शांत होके चलना होगा, भागना नहीं है, क्योंकि कोई भी मिल सकता है यार, जय श्री राम, फिसल गया मैं। अब हम आ गए रोड पे, आपने देखा होगा कि मैं इवन मुझे 1 to 2 मिनट भी नहीं लगे, कितनी पास है वो, ठीक है। ये रोड दिल्ली जा रहा है, ठीक है, ये मल्दानी से आए हैं, ठीक है। और रही ये बात, तो आप पीछे देखिए, वो सॉरी फॉर दैट साउंड, तो आप पीछे देखिए मेरे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू। अब मेरी एक्साइटमेंट इस चीज़ से भी पता कर सकते हैं कि मैं बाकी जगहों पर गया हूँ, बहुत ज़्यादा जगह मैं एक्सप्लोर करी है, राजस्थान और अपना साउथ साइड, ठीक है। उसके आप लोग ब्लॉग अभी नहीं मिलेंगे, मैं दोबारा विज़िट करूँगा तो तब आपको मेरे शायद ब्लॉग जगह के देखने को मिले, ठीक है। बट हाँ, पहाड़ों पे दिस वॉज माई सेकेंड टाइम, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, पहले टाइम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट दिस टाइम दिस इज ऑल्सो अ वेरी जल्दी बोल स्टूपेंडस पनवेल निकल मोमेंट। ओ पीछे भैया वैगनर में गए कोई तो वेव करते हुए गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। तो अभी मैं सामान लेके पहुँचता हूँ, तो आपको दोबारा जाने टाइम दिखाऊंगा कि किस किस तरह जाना पड़ता है। तो ये है वो रास्ता जो मैं आपको बता रहा था, दिल्ली से नैनीताल की तरफ जो रास्ता जा रहा है, आपको बीच इसी जगह पे, अगर आप इस जगह को पहचान पा रहे हैं या पहचान पाओ, तो ये जो घाटी दिख रही है आपको, हाँ ठीक, यही जो नीचे
यहाँ पे नीचे आके वो गुफा है, ये उसका रास्ता है, जो रास्ता अभी तक आपने वीडियो में देखा, इस रास्ते को पार करके हम अभी गए, और आगे जाके वो केव है जहाँ से पानी निकल रहा था ठंडा, जिस पे मैं भी चढ़ा था। तो ये उसका टॉप व्यू है, इसी रास्ते को मतलब चढ़ के जाना पड़ता है। काफ़ी टाइम जब लैंडस्लाइड हो जाती है तो ये सब ब्लॉक भी हो जाता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पत्थर जो पड़े हैं ये रास्ते को ब्लॉक करके पड़े थे, जो पानी का जो रास्ता था, बहाव था, उसको ये इन्होंने रोक रखा था। तो ये व्यू है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने एक अनएक्सप्लोर्ड या फिर अनडिस्कवर्ड केव की खोज करी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ फीडबैक के लिए।